हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज आप लोगों ने हमारा वीडियो प्ले किया है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो को 5 मिनट वॉच जरूर कीजिएगा। और आज मैं आप लोगों को एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जो कि आज के समय में कोई भी बंदा अपना फ़ोन किसी और पर्सन के हाथ में क्यों नहीं देना चाहता है, तो इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों के मोबाइल फ़ोन तक कंटिन्यू पहुँचता रहेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर के। लेकिन सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि ऐसी कौन सी रीज़न है जिसके कारण कोई भी बंदा अपना फ़ोन किसी और पर्सन के हाथ में फ़ोन नहीं देना चाहता है। सबसे पहला रीज़न ये दोस्तों ये निकल के आता कि आज के समय में लोग ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं इसके चक्कर में पड़ गए हैं। इसके चक्कर में पड़ के किसी और का फ़ोन ले करके उसके फ़ोन को आईडी हैक, उसके फ़ोन का आईडी और पासवर्ड सब कुछ हैक करके अपने फ़ोन में सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद मैसेज के द्वारा पता नहीं कहाँ से उनके फ़ोन में पैसा आना शुरू हो जाता है। आज के समय में लोग मेहनत से पैसा कमाना नहीं चाहते हैं, सोचते हैं कि ऑनलाइन मैं घर पर बैठा रहूं और पैसा आता रहे। तो दोस्तों इसी के चलते कोई भी बंदा अपना फ़ोन किसी और पर्सन के हाथ में नहीं देना चाहता। और मुझको लगता है कि 10 में से 5 लोगों का फ़ोन ऑलरेडी इस जाल में फंस चुका है कि उनका व्हाट्सएप, उनका गूगल आईडी कोई ना कोई बंदा हैक करके उनसे ऑनलाइन पैसा अर्न कर रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना चाहिए दोस्तों कि जो भी बंदा ऑनलाइन पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है वो ज़्यादा दिन तक कमा भी नहीं पाता है, और फिर वो आईडी पासवर्ड सब कुछ हैक हो जाता है, फॉरवर्ड हो जाता है, उसके बाद फिर दूसरा एप्लीकेशन डाउनलोड करता है, उसके बाद फिर नया आईडी से उसका फ़ोन पूरी तरह से हैक कर लेता है। सबसे बड़ी समस्या ये उठ के आएगी कि आपके फ़ोन में अगर कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी तो वो किसी और पार्टी थर्ड पार्टी को सेलेक्ट हो जाएगा, चला जाएगा और आपका फ़ोन हैक हो जाएगा, आप खुद समस्या में पड़ जाएंगे। इसी के चलते कोई भी बंदा अपना फ़ोन किसी और पर्सन के हाथ में नहीं देना चाहता। और ये कमी कहाँ से उठ के आती है कि ऑनलाइन पैसा कैसे कमाएं। ये ऑनलाइन पैसा कमाने वाले जो गांव के कुछ छोटे बंदे हैं जो इस चीज़ को हर किसी के फ़ोन में फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, सेव कर दे रहे हैं, लॉगिन करके जो है हर तरह से उनको मोबाइल को मतलब हैक करवा दे रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि दोस्तों जो भी बंदा ऑनलाइन पैसा कमाना चाहता है, जो भी बंदा अपना फ़ोन किसी और के पर्सन के हाथ में फ़ोन देना चाहता है वो एक बार सोच ले कि वो आपके फ़ोन के साथ क्या छेड़खानी कर रहा है। नहीं तो फिर वो तो पैसा जो भी कमा ही लेगा, आपका फ़ोन फिर दाव पे लग जाएगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपना फ़ोन किसी और पर्सन के हाथ में देने का कोशिश ना करें। और जो भी बंदे ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे आप अमीर और कामयाब नहीं हो पाएंगे। ऐसे में आपका भी फ़ोन चला जाएगा, सामने वाला की भी फ़ोन चला जाएगा, और आपकी आप लोगों की जो पर्सनल आईडी होगी यहाँ तक की हो सकता है कि आपका अकाउंट तक हैक हो सकता है। मतलब कोई भी ऐसा बंदा होता है जो अपने फ़ोन में आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, अकाउंट नंबर और भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी होते हैं सब कुछ सेव करके रखता है और फिर उसी के द्वारा हैक हो जाएगा। आपका जो मान ले थर्ड पार्टी का आदमी होगा जो आपका फ़ोन लॉगिन करके 200-400 पर डे का कमा भी लेगा, आपके अकाउंट में जो भी 10-5 हज़ार पैसा होगा वो किसी और पार्टी को चला जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा कि एक बंदा तो 100-200 कमा ले, एक बंदा का पूरा 10 हज़ार चला गया। तो ये सब बहुत ही गलत तरीका ऑनलाइन पैसा कमाने का जो भी लोग पड़े हुए हैं। ऐसे बहुत सी एप्लीकेशन भी हैं जो ऑनलाइन उपलब्ध हैं बट मैं उनको सपोर्ट नहीं करता हूँ। वो क्या होगा कि आपको थोड़े देर के लालच देंगे कि पैसा आएगा, उसके बाद आपका पैसा फिर टोटल चला जाएगा। तो आप लोगों को मेहनत से अपने दिमाग से ऐसा ऑनलाइन पैसा नहीं ऑफलाइन पैसा कमाना सीखिए। कोई ऐसा बिजनेस कीजिए जिससे कंटिन्यू पर डे या फिर हम मंथली पैसा आना शुरू हो और ऑफलाइन पैसा आना शुरू हो, रियल जो हैंड टू हैंड होता है। ऐसा नहीं हो कि ऑनलाइन पैसा आज तो कमा लेंगे, मान लो कोई ऐसा आपको सिस्टम मिल गया कि पैसा चलो आज तो आ ही रहा है, लेकिन क्या पता वो आज रहेगा कल नहीं रहेगा। तो इससे आपका क्या होगा कि टाइम ख़त्म होगा, आप इसी के जाल में फंसते हुए चले जाएंगे। अपने लाइफ में आप कुछ सीख भी नहीं पाएंगे कहीं पे कि कुछ सीख ले, कुछ सीख के लाइफ टाइम काम करें। ऐसे कुछ ऐसे एप्लीकेशन आएंगे और उनसे आप कुछ सीखेंगे, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 15 दिन सीखेंगे, 1 महीना 2 महीना पैसा कमाएंगे, वो एप्लीकेशन हट गया दूसरा आएगा। इसी के चक्कर में 100-200 के चक्कर में आपका टाइम लॉस चला जाएगा दोस्तों, और आप अमीरों कामयाब नहीं बन पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऑनलाइन पैसा कमाने के चक्कर छोड़िए, ये एकदम से हमको लगता है कि सही नहीं लगता है। और ऑफलाइन मतलब
हाथ से अपने खुद से दिमाग से कि कोई फैक्ट्री तैयार कीजिए, कोई दुकान तैयार कीजिए, कोई बिजनेस करने के बारे में सोचिए, बाहर चले जाइए, इंडस्ट्रीज एरिया पकड़िए, तब जाकर के आप कामयाब और सक्सेस एक बिजनेसमैन बन पाएंगे। नहीं तो फिर ऐसे में मोबाइल के चक्कर में रहेंगे तो मोबाइल के चक्कर में आपका जो बिजनेस करने का तरीका है वो तो फिर किसी काम के नहीं, आपको किसी काम का नहीं छोड़ेगा। हमको लगता है कि हमारा वीडियो कुछ लोगों को पसंद आया होगा, कुछ लोगों को पसंद नहीं आया होगा, लेकिन मेरे कहने का रिक्वेस्ट ये है कि जो भी भाई लोग मोबाइल के चक्कर में पड़े हुए हैं, जो भी बंदा अपना फ़ोन किसी और बंदे के हाथ में दे रहा है, दोनों के लिए नुकसान है। आप लोग अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए, ताकि इससे क्या होगा कि आपका भी नुकसान नहीं होगा, इनका भी नुकसान नहीं होगा, एक लोगों का समय का नुकसान नहीं होगा, एक लोगों का मनी का नुकसान नहीं होगा। क्योंकि जो भी बंदा थोड़ी देर के लिए पैसा कमाए देगा, पैसा कमाना तो पैसा आ ही जाएगा, जो समय हाथ से निकल जाता है वो दोबारा कभी नहीं आता है। इसलिए मैं जो कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर किसी भी दुकान पर कोई भी अगर मैकेनिक का काम सीख लेंगे, 2 साल मैकेनिक का काम सीख लेंगे, तो ऑनलाइन पैसे ज़्यादा पैसा आप घर पे ही कमाएंगे। अगर आप 2 पहिया बनाना सीख लीजिए, 4 पहिया 4 व्हीलर बनाना सीख लीजिए, 2 साल 3 साल में आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, 2 साल 3 साल 4 साल में आप लोग सीख लेंगे। जो भी बंदा मान ले घर पे है, ऑनलाइन पैसा कमाना चाहता है, 8वीं 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, उसके पास घर का कोई प्रेशर नहीं है, तो वो पार्ट टाइम अपना काम सीख सकता है, 2 साल में 4 साल में सीखेगा, सीखने के बाद पर डे 2000-3000 अर्न कर लाखों रुपये मंथली अर्न करेगा, तो इससे बेटर क्या हो सकता है। लेकिन अगर मोबाइल के चक्कर में पड़े रहेंगे तो फिर आपका समय नुकसान हो जाएगा, और आप जो भी बंदे के मतलब किसी और का आईडी जो है आप अपने फ़ोन से लॉगिन करके किसी और को फॉरवर्ड कर देते हैं, उसके चक्कर में कहीं वो अगर आपसे भी हुनरमंद निकल गया तो आपकी बैंड बजा देगा। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सब गलत मतलब जो भी ये रूल हैं इनको मत तोड़िए, इनको फॉलो मत कीजिए, अपने दिमाग से चलने का कोशिश कीजिए। जो भी कोई भी अफवाह मतलब गलत तरीके से पैसा कमाने का आपको दिखाता है कि ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा, इनके चक्कर में ना पड़े। मेरे पास भी कई बंदे ऐसे